नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां कैलारस तहसील में नैरोगेज ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में महिला के दोनों पैरों सहित सिर में गंभीर चोटें आई हैं। महिला को कैलारस स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार आशा कार्यकर्ता रुकमा धाकड़ पत्नी महराज सिंह निवासी बुढ़ सिरथरा उम्र 50 वर्ष सुबह करीब 7:30 बजे सबलगढ़ से ग्वालियर की ओर जाने वाली 52174 पैसेंजर कैलारस स्टेशन छोड़ते ही रेलवे सिग्नल के पास एक महिला चपेट में आ गई, जिसमें महिला के पैरों और सिर में काफ़ी गंभीर चोटें आई है। वहीं रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ड्राइवर ने बताया कि अज्ञात महिला चपेट में आने से घायल हो गई है, जिसको एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां महिला को प्राथमिक उपचार देकर मुरैना जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए कैलारस से जितेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। सुबह 8 बजे एक महिला को लेकर के आए थे, जिसका नाम रुकमा धाकड़, वाइफ ऑफ महाराज सिंह धाकड़ है, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ता भी है। बता रहे थे कि ट्रेन से जो है टकराने से या गिर के कुछ जो है उसकी इंजरी हो गई है और उसके पैर में बहुत चोट है, जो है घुटना भी उसका खराब हो सकता है। इलाज के लिए कहाँ रेफर किया? अभी उसको प्राथमिक इलाज देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरैना रेफर कर दिया था, लेकिन वो उनके परिजन कह रहे थे कि हम तो सीधे ग्वालियर ले जाएंगे। अब ये नहीं बता सकता ग्वालियर ले गए या मुरैना। महिला की हालत गंभीर? हाँ, महिला की हालत गंभीर है इस समय, क्योंकि उसको ब्लीडिंग बहुत हो गई है घुटने में।